कितने अच्छे दुपट्टे रंगती है ना। अच्छा और नहीं तो क्या, आप वैसे रंगरेज से क्यों नहीं दुपट्टे रंगवाती? पैसे कहाँ है मेरे पास, वैसे भी घर में ये काम बहुत सस्ता पड़ता है। अभी आपके फटे हुए दुपट्टे बाहर वाले रंगे क्यों? अच्छा है घर पे रंग लिया करें। और नहीं तो क्या, अब ताई जी के इतने महंगे महंगे दुपट्टे मैं ऐसे फेंक दूं? मैं तो उन्हें रंगती हूँ, जहाँ से फटे हों पेमेंट लगा दी और एकदम नया दुपट्टा तैयार। अभी आप तो गली की औरतें और लड़कियों के कपड़े भी रंग सकती हैं। आइडिया, चले बिजनेस स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं भी सोच रही हूं। मैं सुखाता हूं। चल ये लो, चार पैसे ही कमा लूंगी इस तरह। हाँ हाँ, तू चार पैसे कमा ले और अपने ताया जान की इज्जत जो है ना वो चार आने की ना छोड़ना। यही कसर रह गई है बाकी। क्या तमाशा लगा रखा है, इतना सारा खिलारा डाला हुआ है। अम्मी देखे अदन बाजी कितने अच्छे दुपट्टे रंग रही हैं। और बाकी कार के काम, हांडी रोटी बर्तन वो सारे हो गए हैं? जी ताई जी, बन गया। बन के मैंने तो आटा भी गूंद दिया है, खाने के वक्त गर्म गर्म रोटियां भी डाल दूंगी। और मेरी चाह तो उके तो कोले भी गर्म करने ने। गल सुनो, तुम दोनों नीचे आओ। जोर से भी लग जाती तो कोई मसला नहीं था। वैसे कुछ सलाम नहीं है, कोई दुआ नहीं है। वो इतनी भी बेरुखी अच्छी नहीं होती, इतना करीबी रिश्ता है हमारा। हैं? हैं? बच्चों चलो छोड़ दो ये सारे दुपट्टे, नीचे चलो। गुलू सीमा तुम लोग भी छोड़ो ये, चलो और नीचे। वैसे सफिया खाला को ना इतनी तबरेज की तारीफों के पुल नहीं बांधने चाहिए। क्यों भाई, मेरा भाई है ही तारीफ के काबिल। मतलब तुम खुद सोचो ना, शहर गया हुआ है आला तालीम हासिल करने के लिए, छोटी बात नहीं है। बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ पास होता है, सबका बहुत ख्याल करता है, सबसे बहुत प्यार करता है। और तो और बब्बू खाला और बिल्लो चची है ना, उन्होंने अपनी बेटियों का रिश्ता अभी से भिजवा दिया उसके लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ मगर इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर लड़की को तबरेज ही पसंद हो। फिर मुझे देख लो, मुझे तो तुम पसंद हो, मुझे तुम बहुत अच्छे। अच्छा तो मैं तुम्हें बस पसंद हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा मतलब कि क्या मतलब है तुम्हारा बताओ। अब तुम खुद ही समझ जाओ ना। मैं कैसे समझ सकता हूँ, तुम सब खुद ही तो कहते हो मैं कम अकल हूँ, बेवकूफ हूँ, मलंग सा हूँ। तुम समझा दो। वाह भाई वाह, चाय बन रही है, बड़ी खातिरदारी हो रही है माशाल्लाह। और समोसों की खुशबू कितने मजे की आ रही है। हालांकि ये सब तुम्हें करना चाहिए, वो तो मेहमान है घर में, उसी से काम करवा रही हो और जाकर खुद आराम कर रही हो, आकर मदद करो उसकी। मेहमान रहने दो इरफान, मैं कर लेती हूँ। लो सुन लो, जब इनको कोई एतराज नहीं है तो आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं भाई? और हाँ मुझे मेरा हिस्सा तो दे दें भाई। हटे चीज का हिस्सा? अरे अरे कौन सा हिस्सा, मत खाओ ना। क्यों? मेहमानों से पहले खाओगी कितनी बदतमीजी लगेगी। नहीं भाई नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, ऊपर टीवी देखने आराम से बैठ के खाऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो प्लीज, चाय बन रही है, चाय बन जाएगी, सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे, अच्छा लगेगा। नहीं अभी खाऊंगी। नहीं नहीं, नहीं जूही प्लीज, नहीं ना जूही। जी अम्मा आ गया।
मत खाओ ना, अच्छा नहीं लग रहा। भाई मैं आ रहा हूँ, बस मत खाओ प्लीज। वैसे एक बात है, जिस घर में तबरेज भाई जैसे लड़के हो, वहां खानदान की लड़कियों का आना, अम्मा को मक्खन लगाना तो आम सी बात है। भाई उनके साथ जैसा मर्जी सलूक कर लो, आना बंद नहीं करती। वैसे चाय इतनी खास लग तो नहीं रही, पर मेरे कमरे में भेज देना। मैं कोई कमरे में नहीं दे रही महारानी। सलाम माँ। वालेकुम सलाम माँ, सबके प्यार तो दे मालूम माँ कुर्बान। कितने दिनों बाद उन्हें अपनी माँ को शक्ल दिखाई है, और एक गली च रहते हुए ना अखा तरस जानिया ने तेरी शक्ल देखने को, और तुझे माँ की याद नहीं आती। ओ माँ मैं क्या बताऊँ। बस बस रहने दे, अम्मा सब जानती है, तुझे मना करती है ना नीला, और तू जोरू का गुलाम उसकी बात मान के माँ से मिलना छोड़ देता है। और नहीं माँ, उसको तो मैंने ज्यादा सिर पे चढ़ाया ही नहीं है, जरूरत से ज्यादा तो मैं बात नहीं करता उससे। सच्ची सच कह रहा है तू? ले सच्ची, ये तो एक अम्मा मोहब्बत की शादी करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, एडी मैनू पैड़ी लगती। पैड़ी तो मुझे भी बड़ी लगती है, जरा पसंद नहीं। तू देख जरा ओ किन्ना अरसा हो गया व्याह नु, कोई खुशखबरी नहीं दित्ती, कान तरस गए मेरे। ओ अम्मा खुशखबरी आनी भी नहीं है। की मतलब है तेरा? ये मनु शक्ले माँ बनती है। हाँ कह तो ठीक रहा है तू। अच्छा माँ, मैं सोच रहा था दूसरी शादी कर लूं। हैं की कह रहे हैं तू? ओ यार इसमें की कह रही है तू वाली कीड़ी का। ताई जी, वो चाचा जी का फोन आया। हाँ मैं सुनता हूँ ना। दे छोड़ दे, चुप के दे फोन। उनका क्यों फोन आ गया? और मैं की कहना है मैनू? अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह दा शुक्र। तुसी सुनाओ की हाल बाल बच्चियां दा? ठीक ने सारे? अच्छा अच्छा, ते तबरेज दी सुनाओ की हाल है उदा? शहर में है? हाँ सफिया तो उदास हो जाती होगी ना उसके बगैर। ते सफिया दी सुनाओ, ओदी कमर दा कोई फर्क पिया, आराम आया? हेलो हेलो बंद हो गया वे। इसकी तो बैटरी मुक गई है। इतनी देर दी मन ते लगदा ठंडी हो गई है। मैनू भी पिया दियो। ठंडी बर्फ पानी हो गई है। तुरियादान तुरियादान जी, ताई जी यहाँ से ये दोनों लाइनें याद करो, ठीक है? मैं आके सुनती हूँ अभी, जल्दी से याद करो। मजाल है कुड़ी आवाज सुन लवे मेरी। ओ सुन लें भी आ जंदी। किधर मर गई है तू? कब से आवाजें दे रही हूँ? अच्छा बिल्कुल पानी हो गई है, गरम करके ले आ, एक प्याला और लेके आ फड़। मरण जोगी ताई जी, इतनी हो गई है तू, नजर नहीं आंदा तेनू, कुछ नजर नहीं आंदा। चल चुक, देखते सही चिलम बुझ गई है। चुप कर ना, चुप के नमी बना के ले। तू तू हट पीछे, पीछे हट के बैठ। ताई जी वो गरम है। ओ नहीं है गरम, चुप। मैं कह रही हूं चुप के नू, और तू चुप करके बैठ। चुप के नू, जल्दी कर नमा बना के ले आ। जल्दी मेरे कपड़े, मेरी पिया,
ओ पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। अम्मा ये लड़की मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई है, किसी दिन पिटेगी मुझसे ये। आए हाय शफक, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? मेरी बात सुने, ये आपकी बहन को क्या लगता है? उनको लगता है कि सारी दुनिया की लड़कियां उनके बेटे से शादी करना चाहती हैं, और यही फजूल बातें ना उनकी बेटी में आ रही हैं अब। अच्छा, जूही ने कुछ कहा होगा और तू नाराज होके बैठ गई। शर्म कर, तेरी खाला की बेटी है, तेरे से छोटी है। वो कोई छोटी नहीं है, वो जितनी जमीन के ऊपर है ना उतनी अंदर भी है। चला को मासी ना हो तो। हाय शफक पुत्र, तुझे कब अकल आएगी? सियाने कहते हैं जब वक्त पड़े ना गधे को भी बाप बना लेना चाहिए, और फिर तबरेज जैसा लड़का, माशाल्लाह। उफ़ अल्लाह, अम्मा तबरेज तबरेज बस कर दें। कितनी दफा कह चुकी हूँ मुझे नहीं दिलचस्पी आपके इस भांजे में। होगा बड़ा लाइक फाइक, मेरी समझ में नहीं आता, और जितना लाइक फाइक समझती है ना उतना ही मगरूर है ये। बस ऐसे मामलों में ना लड़कियां नहीं बोला करती, तुम्हें क्या पता क्या अच्छा क्या बुरा है, ये बातें बड़े समझते हैं। अब एक लफ्ज नहीं बोलना। ये कैसी पाबंदी है भाई मुझ पे? अच्छा सुन, अगली बार खाला के घर जाए ना तो जोई के साथ ना बहुत प्यार से रहना। वैसे क्या देख रही है, तेरे फायदे की बात है। मुझसे नहीं होती उससे अच्छी तरह बात, बदतमीज लड़की एक नजर नहीं मुझे भाती, अच्छी तरह बात करो उससे। है पागल ना हो तो, समझ ही नहीं आती मेरी बातें, कैसे गुजारा करेगी। नहीं दे दे। बाजी आपको दर्द हो रहा है, अम्मी ने जान के दिलाया ना। नहीं नहीं ताई जी, ऐसे क्यों करेंगी, अपनों के साथ ऐसे थोड़ी कोई करता। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? मैं रो का रही हूँ, ये देखो ये प्याज रुला रही है मुझे। ये देखें मेरे तो नहीं आंसू आ रहे। ना करे तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू आए, तुम तो मेरी प्यारी सी गुड़िया हो। हाय हमें भी इतने प्यार से को हाथ लगा लेना तो जिंदगी बन जाए। शीमा ये जाके मेज पे रख जाओ। कुछ चाहिए था आपको? क्या बताऊं क्या चाहिए मुझे, मेरी अम्मा भी ना जरा कोई सांस नहीं उनको कि तुझ जैसी खूबसूरत और प्यारी लड़की के साथ कितने प्यार से रहना चाहिए, ये सर हथेली पे रखना चाहिए उसे। हाथ की चोट ठीक नहीं हो रही है तायमी। ओए होए भाई बड़ा ही लंबा हिसाब था। सफिया यार ये जो ठेकेदारी है ना बहुत ही जान जोखों का काम है। मैंने तो सोच लिया जिस दिन मेरे बब्बर शेर तबरेज की नौकरी लग गई ना मैंने ये काम छोड़ देना, घर बैठ के आराम करूंगा और मुझे रोकना नहीं है। हाँ मैं क्यों रोकूंगी, बस नौकरी लग जाए ता है ना भाई। आप वो हिम्मत नहीं रही, थक जाता हूँ। सही कह रहे। अच्छा सुने, मैंने एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो ना अपने भाई अयूब है ना, क्या हुआ उनको? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, खैर से वो ठीक ठाक है। मेरा मतलब है कि वो आपको पता है कि उन्होंने इस दफा सिर्फ सब्जियां नहीं उगाई गंदम भी उगाई है। वैसे सफी एक बात तो बता मुझे, ये इतनी दूर की खबरें हैं, तुम्हें देता कौन है, ये कौन सा अम्मी जान का एंटीना लगाया हुआ है तुमने? हाय हाय हर भले मजाक ना करया करो, सीरियस हूँ मैं। वो मेरी ना एक सहेली है वो गई थी उन पिंड, तो उसने मुझे बताया कि हमें तो आलू प्याज भेज देते हैं ना कि हम खुश हो जाएंगे,
गंदम की तो हुआ नहीं लगने दी। क्या हो गया है तुम्हें? पापा अयूब की जमीन है, उनकी फसल है, वो गंदम उगाए या सब्जी, मेहरबानी है उनकी कि आलू प्याज भेज देते हैं। अगर ना भेजे ना तो हमारा कोई गिला नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? मुझे ये बताएं, जिस घर में रह रहे हैं वो घर भाई घर नहीं है, सारों का नहीं है? पापा ये लोग क्यों भूल गई है? भूल गई है? 36,000 दफा बताया है। अम्मा बिश्तन जब बीमार हुई थी तो अल्लाह बख्शे अब्बा जी ने घर बेच के उनके इलाज पैसा लगाया था, बस घर का एक हिस्सा जो है ना राश के लिए रख लिया था। सही है, ठीक है, रख लिया था, पर हम तो कभी जाते ही नहीं है, हमें क्या पता, हमें जाना चाहिए, चेक चुक तो करना चाहिए ना, भी वहाँ हो क्या रहा है? तो यूं कहो ना, सैर सपाटे का दिल कर रहा है, रिश्तेदारों के घर मेहमान बन के जाना चाहती हो तुम? चलो यही समझ लें, चलेंगे किसी दिन। कब? वैसे भी मेरा भी ना कुछ आउटिंग का दिल कर रहा है, बड़ा ही अरसा हो गया है तुम और मैं आउटिंग पे नहीं गए हैं। हाँ सुने, नहर पे भी चलेंगे हैं? वो तरबूज लेके और आम लेके। तरबूज? ओए धुआना धुआना। हाँ हाँ, धुआने धुआने धुआने। हाँ धुआना, जेड़ा पन्नो लाल है, लाल भी लाल है, लाल भी लाल है। एंजॉय ना करो, जा भी पियो, चलो। चाय बना के लाती हूँ मैं आपके लिए, दूध पत्ती लाची वाली। हाँ जी हाँ, बनाई वहाँ के हूँ, ले आई। अम्मा आपकी आवाज को क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बस ढीला ढीला बोल रही हूँ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। ये मेरी कमर ने ना मुझे पागल कर दिया सची, हिला नहीं जाता, और ऊपर से वो बगैरत शब्बो रोज छुट्टी कर लेती है, ऊपर से तू मेरे से दूर है, इतनी मैं दास हुई हूँ तेरे लिए। वैसे तो कोई खैर फासला नहीं है, 2-2.5 घंटे का है, मगर बंदा रोज रोज तो नहीं ना आ सकता। और सची तू मेरी शक्ल देखेगा ना डर जाएगा, सेहत इतनी खराब हो गई है। अम्मा जूही है ना घर में, इतनी बड़ी हो गई है वो, आप सारे काम उससे करवाया करें, आप खुद क्यों काम करती हैं? ले क्या बातें कर रहा है, इको एक मेरी कुड़ी लाडली, उससे मैं काम कराऊंगी? वो पढ़ाई करे कि घर के काम करे, वैसे भी अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है, हाथ खराब हो जाएंगे, चूल्हे के आगे जाएगी तो मुंह खराब हो जाएगा। ना ना उससे नहीं काम करा सकती। अच्छा छोड़ मेरी बात सुन, वो मैं और तेरे अब्बा जी जो है ना, तेरे ताए अयूब के घर जा रहे हैं 1-2 दिन में। अयूब ताया के घर क्यों? वैसे ही दिल कर रहा है। अगले हफ्ते से छुट्टियां हो रही हैं अम्मा मेरी, मैंने सोचा था कि घर आऊंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा, लेकिन आप लोग तो अयूब ताया के यहाँ जा रहे हैं। हाय कितनी प्यारी खबर सुनाई तूने, सच्ची मुची आ रहा है तू? तो ऐसा कर कि तू अपने ताए के घर ही आ जा, सबसे मुलाकात हो जाएगी तेरी भी। अच्छा ठीक है, आप कह रही है तो आ जाता हूँ। हाँ आ जाना, तुझे पता है तेरे अब्बा जी इतना तुझे याद करते हैं ना, सुन के खुश हो जाएंगे, और ताया जी भी, सारे बल्कि खुश हो जाएंगे, आ जाइए वहीं पे। मैं भी आप लोगों को बहुत याद करता हूँ। और बताएं अम्मा घर में सब कैसे हैं, उर्फी ठीक है? आराम से गुलू। बस बस बस, तुम कहने क्या आए थे? वो अम्मी ने कहा था नमाज से पहले ना आप अब्बा के कपड़े इस्त्री कर दीजिएगा और बकरियों को भी बांध दीजिएगा। वो सब तो मैंने कब का कर दिया। अदन भाजी मेरा आपसे एक सवाल है। हुँ? आप इतनी लंबी लंबी दुआ किसके लिए मांगती हैं? सबके लिए, मैं सबके लिए सुकून और खैर की दुआ करती हूँ। लेकिन अम्मी कहती हैं आप इतनी लंबी लंबी नमाजें कामों से बचने के लिए पढ़ती हैं क्योंकि आप काम चोर हैं। दिलों के हाल तो सिर्फ अल्लाह जानता है। क्या मतलब? तुम नहीं समझो, चलो उठो अब जाओ, जाकर सो जाओ। साबरा खाला, इसको नीचे से आपने ऐसे ऊपर लेके आने घुमा के और ये लग गया आपका टाका। सही है। पानी मिल जाएगा या किसी को बुलाऊं पड़ोस से कि पानी ला के दे? जा पानी लेके आ। जी ताई जी। आए रुक। हाय हाय
छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। नहीं 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 तेरा गला दबा होश कर छोड़ इसे छोड़ इसे मार कर दे तुझे जीने नहीं दूंगी तुझे मार दूंगी जान से हो क्या गया है अरे इंदे चाची जिस औरत का कार खराब हो रहा हो ना उसको तमीज तहजीब सब कुछ भूल जाता है तब क्या हो गया तेरे घर को अल्लाह ना करे बात क्या है कैसी बातें कर रही है तू ऐसी बातें ना करूँ तो क्या करूँ चाची है मुझे इसको नहीं मैं इतनी से पता नहीं क्या खोल के बुलाया मेरे बंदे को हर वक्त इसके नाम की माला जपता रहते हैं चलाकी ना कर ना कर आज चलाकी मना कर रही है तेनू हाय मेरे अल्लाह तौबा तौबा ऐसा कुछ नहीं है खाला ऐसा कुछ भी नहीं है भाभी को गलत फहमी हुई है अनिला क्या ये सही है हाँ मैं ठीक कह रही हूँ खाला तौबा तौबा नहीं मैं कह रही हूँ ना झूठ है ये झूठ बोल रही है तो मेरे से देखो शक्ल देखो इसकी खाला कैसे मासूम बनती है और नमाजें तो ऐसी पढ़ती है जैसे इससे बड़ी नेक और पारसा कोई है ही नहीं मैं बता रही हूँ बड़ी धोखेबाज है ये बड़ी धोखेबाज है झूठी धोखेबाज बंद कर तू अपना जा तू साबरा चुक के अपना सामान ते चल जा गल सुन मेरी किसी के सामने जबान ना खोली ठीक है ठीक है ते है ही पागल गुस्से वाली ऐसी है ये किरदार की कच्ची औरत है ये तेरी जबान चुप नहीं आती पराई औरत सामने शुरू हो गई है तू मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ अनिला भाभी तुम औरत हो कि नहीं समझती एक लड़की की इज्जत कितनी नाजुक होती है भाई जी इसलिए साबरा खाला के सामने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाती है वो चुप नहीं बैठेगी मुझे पूरे गांव के सामने बदनाम कर देगी और नहीं खोलेगी जबान की जरूरत नहीं है उसकी ओ छोड़े गलत नहीं कह रही मैं ये बड़ी मक्कार है चाचा जी को आने दो शिकायत लगाऊंगी इसकी तू ना चुप कर जा चुप कर जा चुप कर जा तू तनवीर किधर है जब आएगा ना और उससे पता चलेगा ना बहुत गुस्सा होएगा वो तेरे साथ हाँ हाँ सही है तनवीर को भी बुला ले सबको बुला ले तमाशा लगवा ले मेरे रिश्तेदार पे मुसल्लत कर दो दफा हो जा निकल ले तुम दफा हो जा शक्ल देखो इसकी खाला कैसे मासूम बनती है और नमाजें तो ऐसी पढ़ती है जैसे इससे बड़ी नेक और पारसा कोई है ही नहीं हाय मेरे अल्लाह तौबा तौबा जी सत बिस्मिल्ला जम जम आओ भाने अपना ही घर है अस इंतजार करेंगे ताई जी मैं वो आपसे अच्छा हुआ तू आ गई मैं तुझे बुलाने वाली थी यकूब भाई का फोन था तीन चार दिन में आ रहे हैं वो लोग तू इस तरह कर कि सौदे की लिस्ट बना ले और जरूरत की सारी चीजें मंगवा के रख लेते हैं ताई जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी अनिला भाभी ने जो कुछ भी कहा है ना वो बिल्कुल गलत है मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती अच्छा अच्छा ठीक है तू जा जाके कॉपी पेंसिल लेके आ धनी जी को भाई को की सूझी खाम खा का खर्चा और तू क्यों खड़ी इधर मेरे सिर पे जा कॉपी पेंसिल ले सलाम मां अरे अम्मा भूख लग गई कुछ खिला दो कमजोरी हो गई उठ के बे और बता इसे इसकी बीवी क्या बकवास करके गई है अच्छा अनिला आई थी हाँ आई थी और बता चुप क्यों खड़ी है इसको बहुत उल्टी सीधी बातें सुना के गई है वो ताई ताई जी वो अरे क्या कह गई बता छट छट इधर मेरे को बै मैं बताती हूँ सौदा शोखा ना हो जाया कर अल्लाह साई वे मौला साई वे तेरे कर्मों से रहमत तेरी से आए जो होठों पे पूरी हो मेरी दुआ ये मुझे यकीन
तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना। तू वाकई घर जा रहा है? हाँ यार, प्लान तो यही था। अम्मा ने बताया कि मेरी पूरी फैमिली जा रही है मेरे ताया के गांव, तो मेरा भी यही प्लान है। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग वहीं पहुंचे, मैं भी वहीं आता हूँ डायरेक्ट। आ जाए। इस वक्त कौन आ गया? हाय। सुबल, तुम यहाँ बॉयज हॉस्टल में कैसे आई? मैंने तुम्हें कहा था पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो बस तुम अच्छा चलो आओ। थोड़ा सा डर्टी है बट फिर तुम इतने छोटे से रूम में रहते हो, हाउ स्ट्रेंज। मजबूरी है, जितने इसके अब मेरे बाप पैसे भेजते हैं उसमें बस हम यही रूम अफोर्ड कर सकते। वेल, मैं तुमसे मिलने आई हूँ तब्रेज। एक्चुअली मैं कुछ बुक्स लेना चाह रही थी, तो तुम्हारी गाइडेंस चाहिए थी, और फिर हम कहीं पे खाना खाने चले जाएंगे, व्हाट डू थिंक? हाँ श्योर, चलो, बट जस्ट गिव मी सम टाइम, मैं थोड़े कपड़े चेंज कर लूँ। श्योर, तो फिर मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रही हूँ, ओके? हाँ, तुम बाहर वेट करो, मैं आता हूँ। ओके, ग्रेट। अच्छा, मैं भी चलता हूँ, जरा ना। क्या कर रहा है यार? मैंने तुझे लंच करवाया था ना, कुछ बोला? हर जगह नहीं गुस्सा करो यार। क्या पहनूँ? सारे कपड़े मैंने तह लगा के अंदर रख दिए बैग में। बस मेरा कभी कोई काम ना करना तुम। मेरी अक्कल देखो, दुपट्टा तो मैं उधर ही भूल आई हूँ। गुल्लू भाई है ना, जल्दी से जा लिया, कहीं गुम ही ना हो जाए, जल्दी भाग के जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। ओ छोटे, पंखा बंद कर, हवा में रंग बिखर गए। आज ही मेरा दिल नहीं था रंगीन कपड़े पहनने का, और देखें सारे कपड़े खराब हो गए। कुदरत ने धनक के रंगों में रंग दिया हमारी बिटिया को। उसके रंग में तो मैं पहले ही रंग चुकी हूँ। बेशक, जिसे रंग खुदा के लागे उसके भाग क्यों ना जागे। भाई, मेरा सामान तैयार है। हाँ बेटा, आपका सामान तैयार। तू मेरे लिए दुआ क्यों नहीं करती? मैंने तुम्हें कई दफा कहा है कि इस बूढ़े बाबा के लिए भी दुआ किया करो। आप हमेशा यही कहते हैं। मैं तो ये बचपन से जानता हूँ, तेरे ऊपर खास अल्लाह का करम है, तेरी दुआ कबूल हो जाती है। मेरे लिए करोगी ना दुआ? जरूर करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। अल्लाह आपकी हर तकलीफ दूर करते, आपकी जिंदगी खुशियों से रंगते। आमीन। और वो रंग कभी भीगे ना पड़े। जी तेरा। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम। चलें अंदर बाजी। इजाजत है बाबा जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ख्याल रखिएगा अपना। जीती रहो जीती रहो। चलो, मिल गया दुपट्टा? जी। बाबा जी, इतनी छोटी सी लड़की से इतनी बड़ी बड़ी दुआएं करवा रहे हैं आप? ओ चाचा, भला ये क्या करेगी, किसी डॉक्टर को दिखाएं। जिसे तू छोटी लड़की कह रहा है ना, बड़ी नेक और साले है, और वो अपनी नेकियों को लोगों से छुपाती है। वो मामूली लड़की नहीं है, वो जात की कलंदर है, और इसकी दुआएं लग जाती हैं। और बद्दुआएं?
भाभी जी जान दियो किसी और की बारी भी आन दियो, सुबह का सातवां गिलास है लस्सी का। ओ भाई ने ओ मेरे में तेने से ले लिया तई के खिलाफ। और पी पी जान बना। कुछ नहीं होता, पी लो। और सुना काम कैसे जा रहा है? अब बस भाई ने काम तो बस अल्लाह का बड़ा करम है। वो कोविड में बड़े बड़ों के शहर में कारोबार ठप हो गए हैं, पर मेरी बड़ी झाड़ियाँ लगी हैं। ये देखो ये लालियाँ ऐवें नहीं पक रही हैं। चची जान चाय? नहीं बेटा चाय ले आइए। तुम मैं चाय नहीं पीती, मुझे ना गोए की बो आती है दूध में से। अब खाना जरा है ये टाकी वाला दुपट्टा की पहना है, दुपट्टे नहीं है नए। चली जाई ना होवे ते इन्ने सारे नवे दुपट्टे पहने फिर भी चेपियां ला पा के आ गई है। अब घर में कौन पहनता है नए कपड़े? चाचा जान आप कुछ दिन तो रहेंगे ना, ये बिस्किट लें। पुतिये मुझे कोई करेलू बिस्कुट लग रहे हैं। जी मैंने तंदूर में बनाए खुद देसी घी से। देसी क्यों, खालस? जी फिर तो सारे बिस्कुट अपनी चाची को खिला दे, हमरे इसकी लक की भी ठीक ही हो जाए। नहीं नहीं मैं नहीं खाती, मैं बेकरी के खाती हूँ। नहीं नहीं मैं खाती। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तंदूर में जल गया था। रख दे पुत्र। और सुना यूब बच्चे कैसे हैं? बच्चे बच्चे अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। मेरा तबरेज जो है ना वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना लैक फैक बच्चा है, मेरे ख्याल में पूरे खानदान में ये पहला बच्चा नहीं है। ओए मुझे तो लगता है पहला भी यही है और अकेला भी यही है। सही कह रहे हैं, बहुत तलीम याफ्त कर रहा है। हां ते सफिया तू भी चार जमात तलीम याफ्त कर लेनी है सन ना। माहौल कर रही है। अच्छा मेरी गाल सुनो, तबरेज पुत्र का ना ख्याल करना, शहर तो भेज दिया है, और शहर की लड़कियां ना बड़ी चलाक होती हैं, हुसान अले हमारे भोले भाले पुत्र नु। बात ठीक कह रही है राहत। यकूब तू भी ना यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा लिया कर, ओए ना होए ना कितने सारी कीती कराई ते पानी फिर जाए। ओ ना भाई ना, मेरा पुत्र तबरेज जो है ना बब्बर शेर है, ताबेदार है आपके भाई का, निच भी मुझसे पूछे बगैर नहीं मारता। लड़की तो बहुत दूर की बात है, कह रहा था कि वो भी आएगा ताए ताए की मिलने के लिए। सदके जिंदा रहे। राहत मुझे बता कि वो नीला और तनवीर नजर नहीं आ रहे किधर? सफिया उन्होंने ना असी वखरा कर लै के दिता है। तेनू ते पता है नीला दे मजाज दा, और निकी निकी बात पे गुस्सा कर जाती है, इसलिए फिर अलग कर दिया। और आएंगे मिलने तुम दोनों से। ये इसको स्कूल पाया कि ये मजे संभालता सिर्फ पढ़ता है? खैर नाल मज होती है तो लस्सियां पीने को मिलती है ना, क्यों भाई कूब? तो और की नहीं तो डब्बे वाले दूध। जनाब बिल्कुल बजा पर मैं आया, और वैसे भी कार में ना एक इस किस्म का गोलू मोलू होना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। पुत्री क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ। कुछ चाहिए था आपको? ओ बस पुत्र एक कप चाय का मिल जाए तो क्या ही बात है। जी ठीक है मैं बस अभी लाती हूँ, नाश्ता भी ले आऊँ? ओ नहीं नहीं पुत्र, नाश्ता सबके साथ करूँगा। चलें ठीक है बस मैं भी लाई। पीती रहो। आपकी चाय। अरे अदमबाजी जीती रहो। अदमबाजी जल्दी से मेरे बाल बना दे, लेट हो रहा है। जल्दी आओ तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अरे वालेकुम सलाम पुत्र, क्या हाल है? ठीक। चलो गुल्लू देर हो रही है। हाँ देर हो रही है, देर हो रही है। चलो रुको तुम लोगों के तो लंच बॉक्सेस। अल्लाह
काका बात सुनो जरा। एक बात तो बताओ, इस घर के सारे काम तुम्हारी अदन बाजी करती है? जी चाचा जी, वो बहुत अच्छी है, सारे घर के काम और बाहर के वही करती है। बेटा बाहर के मैं भी करता हूँ और मैं उनके साथ भी जाता हूँ। पुत्र अपनी सेहत देख, अपने काम देख, छोटी बहन से ना प्यार से बात करते हैं। मेरा पूछो अब। गुल्लू बैग तुम घर पे छोड़ के जा रहे थे, पकड़ो अपना बैग, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा, अब खा लेना तुम दोनों, चलो अब देर हो रही है। चाचा जी आप नाश्ते में क्या लेंगे? जो तेरा दिल करता बना दे। आप बता दें आपको जो खाना मैं बना दूंगी। ओ नहीं, आज जो मेरी बेटी कहेगी बस मैं वो ही खाऊंगा। चले मैं बस अभी लाई। चाह भी स्वादी बनाती है। हाय हाय, घर कौन सा गली थी? नहीं भाई नहीं चाहिए यार, इतना बदल गया है समझ में नहीं आ रहा। इससे पूछता हूँ। सलाम अलैकुम भाईजान। यार ये मस्जिद के सामने जो तीन गलियां हैं उनमें से किसी एक गली के अंदर अय्यूब साहब रहते हैं। अरे तबरेज भाई अस्सलाम वालेकुम, पहचाना? वालेकुम अस्सलाम। गुल्लू जी सही पहचाना। अरे यार गुल्लू कितने बदल गए हो तुम तो पहचान में नहीं आ रहे। आप इतने सालों के बाद जो आए हैं कैसे पहचानेंगे, लेकिन मैंने आपको पहली नजर में पहचान लिया था। अच्छा वो तो मुझे मिल गया, तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ रहा था। अच्छा चले घर चल। तुम तो बहुत बड़े हो गए यार। यार आपने पहचाने ही नहीं, इतने आया करे ना हमारे घर चक्कर लगाने। यार गुल्लू पढ़ाई चल रही है लाहौर में। अच्छा टाइम ही नहीं मिलता यार। तुम बताओ यार, तुम्हारा तो इलाका बिल्कुल ही बदल गया भाई। बस हाँ ये सब कुछ तो नहीं होता था जब लास्ट टाइम आया था तुम तो।